हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक बैंकिंग में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है पूरी तरह आपके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है। किस तरीके से आप अपने अर्निंग्स का एक छोटा सा हिस्सा डिसिप्लिन तरीके से निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, हम आपको आज वही बताने वाले हैं। दोस्तों, आज के डेट पे इन्वेस्ट करने का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका कहा जाता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना शेयर मार्केट वाला प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है सेबी नाम का एक संस्था। दोस्तों, आइए अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या और ये अपना काम कैसे करती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स है प्रोफेशनली मैनेज किया हुआ एक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें आप और हमारे जैसे लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा कुछ प्रोफेशनल्स द्वारा अलग अलग जगहों में जैसे शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और उसे जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसे फिर इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। इसमें आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके अपने पैसे को एक बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। SIP में दोस्तों निवेश करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट का गोल सेट कर लीजिए कि मुझे उन पैसों का क्या करना है। इससे आपको अपना स्कीम चूज करने में बहुत आसानी होगी और अपना स्कीम और गोल जब आप चूज कर लेते हैं तो अपना SIP बस 500 या 1000 रुपए से शुरू कर दीजिए। देखिए, और ये 500 या 1000 रुपए का SIP आपको लॉन्ग टर्म में यानी 20-25 साल के बाद आपको लाखों करोड़ों कमा करके देगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के कुछ पिछले सालों के रिटर्न्स ये प्रूफ करती हैं कि 500 या 1000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट आपको 20 या 25 लाख रुपए कमा करके दे सकती हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों के रिटर्न ये प्रूफ कर देती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट के डाउन होने पे अपना SIP बंद करवा देते हैं और मार्केट के ऊपर जाने की वेट करते रहते हैं। दोस्तों, आप ये कभी मत कीजिएगा। शेयर मार्केट की अप और डाउन को ध्यान मत दीजिए और अपना SIP कंटिन्यू रखिए। और जब शेयर मार्केट डाउन होता है तब अपने SIP में कुछ लमसम ऐड कर दीजिएगा। और हाँ, मार्केट पे ज़्यादा रिसर्च करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में जो सबसे पहले एंट्री करता है या सबसे आगे एंट्री करता है तो उसके प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जो वेट करता है उसका टाइम कभी भी नहीं आता है। इसीलिए ज़्यादा सोचिए मत और अपना SIP आज से ही शुरू कर दीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कीजिए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे और भी अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।